देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वल्लों देश नूं साफ सुथरा बनाउण लई एक सुपना देखा गया सी। उत्थे ही पंजाब सरकार वल्लों भी तंदुरुस्त पंजाब मिशन दे वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, जिन्हां दी फूक निकलदी उस समय दिखाई दित्ती जद बाबा शेख फरीद जी दे पवित्र पावन छोह प्राप्त धरती फरीदकोट विखे स्वच्छ भारत दे नारे उत्ते धूल जमी दिखाई दिंदी है, क्योंकि फरीदकोट शहर विच दाखल हुंदे ही लोकां नूं गंदगी दे ढेरां नाल रूबरू होना पैंदा है। शहर दा कोई चौक चौराहा अजिहा नहीं जिथे गंदगी दे ढेर ना होण। इस मौके शहर दे अंदरों अंदरी कूड़े दे ढेर कारण परेशान होए दुकानदार नरेश कुमार ने कहा कि सवेरे सवेर जदों ओह दुकान ते आउंदे हन तां बुरी तरहां उन्हां नूं बदबू दा सामना करना पैंदा है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन तो मंग की कि समस्या का छेती ही हल कढ़िया जाए। मैं इतने स्पेयर पार्ट का काम है जी, मेरा दुकान है जी। अज बाजार दे विच पूरा ही गंद पिया होया है, बहुत इतने गंदगी ना बहुत बुरा हाल है जी। मेरी तो कमेटी तो मंग यही है जी भी साफ देखो, तुम ध्यान मारो इधर कि गंद मारे, तो सारे शहर के बुरा हाल है जी, यदा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। बीमारियां फैलन बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलन जी, सारे नक् के हाथ रख रखे ऐ करके जाते हैं जी, बहुत बुरा हाल है जी। प्रशासन तो यही मंग है जी, इन्हें टाइम सिर चुकवाया जाए जी। दुकान वाले ने यही रिक्वेस्ट है भी इतने ना गंद सिटा जाए, आपका कोई प्रबंध कर। इस ही हाल में समाज सेवी अमन वड़िंग का कहना है कि फरीदकोट में गंदगी का बहुत भैड़ा हाल है, लोगों का जीना मुश्किल होया पिया है। उन्होंने कहा कि रोजाना लोगों नूं अपने कार्ज ते जान तो पहला गंदगी दे ढेरां नूं मत्था टेकना पै रहा है। उन्होंने सरकार वल्लों मंग की कि वह फरीदकोट की इस समस्या का विशेष तौर पर हल कढ़न। देखो जी, एक पासे तो सरकारां जिहड़ियां तंदुरुस्त पंजाब दे बहुत वड्डे वड्डे दावे कर रही ने, और दूसरे पासे तुसीं फरीदकोट शहर के हालात तुसीं देख रहे हो, तुहाडे कैमरे की अख दे विच सारा कुछ कैद होया ही आ। मेन बाजारां दे विच वड्डे वड्डे डंप आ जिहड़े उत्थे गंदगी दे लगे हुए ने, और बीमारियां फैलन का खदशा, बरसातां दा मौसम हैगा, और जिहड़ा उत्थे खड़िया नहीं जांदा इन्नी गंदी जिहड़ी हैगी आ स्मैल आ रही आ, और जिहड़ा साडा प्रशासन आ वह घूक नींदरे सुत्ता पिया, उन्हूं साडे शहर वासियां दे दुख तकलीफां नाल कोई वास्ता नहीं हैगा। और मैं बेनती करदा डीसी साहब नूं जिन्ने भी ये मसले आ सफाई सेवकां दे जां होर, उन्हां नूं जल्द तो जल्द सॉल्व आउट कीता जावे, और तां जो साडे शहर नूं जिहड़ा ओह खूबसूरत बनाया जा सके। जिद्दां दे हालात मैनूं लगदे ने अगले महीने तो बाबा फरीद दे मेले दीआं वी तैयारियां हो जाणियां, सो पूरा पंजाब दे पूरी दुनिया दे लोक आ जिहड़े साडे शहर दे विच आउंदे ने, शहरां दा सड़कां दा बाजारां दा गलियां दा नालियां दा बहुत ज़्यादा बुरी हालत आ। सो ये जिहड़ा आने वाले मेले दे विच वी जिहड़ी आ तुहाडी शहर की जिहड़ी आ और रिपोर्ट आ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया दे विच जानी आ भी साडे शहर दे हालात जिहड़े अज की बने हुए ने। सो मैं बेनती करदा प्रशासन नूं भी इन्हां चीज़ां वल जल्द तो जल्द ध्यान दिता जाए, तां जो जिहड़ा साडे शहर नूं ये गंदगी तो जिहड़ा मुक्त किया जा सके। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के प्रधान कुलदीप कुमार कांगड़ा ने कहा कि उन्होंने साथियों की तनखा ना आने के विरोध में कार्ज नूं रोकया गया है, अते साडी तनखा पहलां दित्ती जानी चाहीदी है, अते जदों तक साडी तनखा या मंगां पूरियां नहीं हुंदियां असीं संघर्ष जारी रखांगे। पहलां तां असीं मंग दे संबंध विच मैं तुहानूं दस दिंदा जी, मंग साडी कुछ नहीं है, साडा तां हक सी, मंग तां इन्हां ने बनाती, मंग तां इह है वी असीं लगातार डेढ़ महीना वा सानूं साडे जिहड़े असीं कम कर रहे हां सड़कां दे उत्ते नालियां दे उत्ते हत्थ मार रहे हां, सानू वैसे तो साड़ी बनती तनखा हक के बदौलत नहीं, मैं कहना पसीना सुकन के पहला सानू मिलनी चाहिए सी, पर इन्होंने प्रशासन ने सानू ओले च रख के नेरे च रख के साड़ी सारी तनखाह रोक के सानू अज मजबूर करता असी हड़ताल से बैठ जी। तुहानू लगता एक पासे सरकार कह रही है भी मिशन भारत पंजाब दा मिशन चलाया होया इन्होंने, तो दूजे पासे पूरे शहर में इन्हें गलती करके गंदगी पई है। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, जिहड़े अज भारत सरकार जां पंजाब सरकार पूरे वर्ल्ड के उत्ते मैसेज दे रही है भी स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, पर मैं कहना गलत है कम, स्वच्छ भारत अभियान जिन्हां लोगों का होना चाहिए उन्होंने लोगों का सरकार ते प्रशासन रल के शोषण कर रही है। उनके उदाहरण असी बैठे हैं सारा पंजाब दे विच, तुसी देख सकते हो सफाई कर्मचारी मुलाजम जिन्ना भी आउटसोर्स रखा उन्हां दी अन्नी लुट हो रही है, अन्नी लुट दे विच उन्हां नूं 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए दे विच रख के उन्हां दे आर्थिक ते मानसिकता दे विच उन्हां दा शोषण किया जा रहा है। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏ ਟੂ ਜੱਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ
फरीदकोट शहर में सफाई का बुरा हाल है। उधर ठेकेदारों अद्धे कर्मचारियों की तनखा जारी कर दी जा चुकी है, छेती ही इस समस्या का समाधान कढ लिया जाएगा। यह सर पहला पंजाब की कॉल से दो दिन सफाई हड़ताल से सी, हुण इन्हां दे कुछ तनखाहां दे मसले है, अद्धी लेबर की तनखा कट्टी गई, अद्धे तो कुछ साढ़े डाकूमेंट पूरे ना होण करके रही है, जिहड़ी अद्धी तनखा ठेकेदारां कोल गई भी है, जल्दी इन्हां नूं इक अज ही दे देणगे। इन्हां सफाई ऐतिहासिक शहर फरीदकोट का जिथे हालात प्रशासन की लापरवाही के नाल नाल दिन नित दिन विगड़ते जा रहे ने। अज प्रशासन के नाल नाल सानू भी जरूरत है जागरूक होने की। जेकर असी भी अपना फर्ज भुल के सब कुछ प्रशासन से छड़ दिता तो साडा देश कदे भी साफ नहीं हो सकता। जेकर तुसी हिंदुस्तान की धरती नूं मां दा दर्जा दिंदे हो तो साडा तुहानूं सिर्फ एक सवाल है कि धरती साडी मां है तो मां दे मूंह विच कूड़ा क्यों।